का हमारे चैनल पे स्वागत है लॉन्ग टर्म शेयर्स LTS में। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर, देखिए यहाँ पे लाल बटन है और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। आप सब ने सुना होगा और सब परिचित हैं आज जो कल की इनकी न्यूज़ थी जियो से रिलेटेड, और उसमें उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी बताई हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कुछ जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, आरकॉम तो गायब ही हो गई है, आइडिया वोडाफोन उसमें भी समझिए कि आखिरी कील ठोक गई है, भारतीय एयरटेल जूझती रहेगी, लड़ती रहेगी, और जिस प्रकार से इनका बिजनेस है जियो का मोनोपोली हो गई है एक तरीके से। और सितंबर 5 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत में जब इनका गीगा फाइबर आ जाएगा और 5G की जो सर्विस तकनीकी आएगी उसके पश्चात मुझे लगता है सब कंपनियों का टिकना मुश्किल ही है। तो ये तो रही अच्छी खबर, लेकिन हम रिटेल निवेशक को करना क्या है? ऐसे में बहुत लोग कह रहे हैं कि ये साल भर में 2-3 गुना हो जाएगा, कई लोग कह रहे हैं कि अभी हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 6 मंथ में ही डबल हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात है, चलिए आज भी ये स्टॉक जबकि सेंसेक्स में थोड़ी सी अभी गिरावट है, जो समय हो रहा मैं बता दूँ आपको ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड 13 अगस्त 11:36 हो रहे हैं इस समय। BSE पे जो इसका प्राइस चल रहा 1282 रुपया, और हाई था साल का 1413, लो बनाया था इसने 1017। तो हो सकता है कि हाई तक के टच कर जाए आने वाले समय में, कुछ दिनों में, अगर मार्केट ने साथ दिया तो। कैपिटल वाइज नो डाउट देश की सबसे बड़ी कंपनी है, इसमें और TCS में कॉम्पिटिशन आगे पीछे होती रहती है कैपिटल वाइज। तो रिलायंस जियो ये इंडस्ट्री जो है कई सेगमेंट्स में काम करती है। अगर हम बात करें कि मेन जो इनका टॉप सेगमेंट है वो रिफाइनरीज से है, जो क्रूड ऑयल से ये फिल्टर करके अलग अलग प्रकार के गैस, तेल, पेट्रोल वो सब सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। और पेट्रोकेमिकल्स इनको 22% किया है, जबकि रिफाइनरीज से 51% की, और ऑर्गेनाइज रिटेल से जिसमें जियो ajio.com इनका जो, और रिटेल्स जो इनके स्टोर्स हैं रिलायंस के, उससे इनको 17% की। तो अभी भी इनका जो मेन बिजनेस है वो रिफाइनरीज में, और रिफाइनरीज में भी इनके लिए एक खुशामदी है कि इनकी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है उसमें जो UAE वहाँ की जो एक बड़ी कंपनी है आरामको, उसने 20% की हिस्सेदारी इसमें खरीदेगी, ऐसी न्यूज़ है। तो ये भी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और बेहतर एक और अच्छी बात है आने वाले समय में कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ये कहना है कि अब तक जो हमारा इन्वेस्टमेंट था, जो ये पूरा एक्सपेंड कर रहे थे, जो ब्रॉडबैंड के लिए केबल्स वगैरह, 5G के लिए केबल्स वगैरह, गीगा फाइबर के लिए जो केबल्स वगैरह या जो भी ये लगे हुए थे प्रोजेक्ट में, उसका कंप्लीशन हो गया है। अब उसमें इनका इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये सर्विस देंगे तो इनको सिर्फ कमाई ही कमाई है। तो आने वाले समय में इनको बस पैसे बटोरने, अब इंटरनेट तो वर्चुअल है आपको पता है, हाँ जो इनको खर्चा करना पड़ रहा है टावर के माध्यम से, केबल्स के माध्यम से, वही सब इनका एक्सपेंशन है। बाकी जो इनकी इंडस्ट्री रहेगी, जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे उनको देना भी ना पड़ेगा, लेकिन मेनली जो कमाई है अब शुद्ध कमाई होने वाली है आने वाले समय में। तो कंपनी बेहतरीन है, अच्छा रिटर्न इसमें मिलेगा। अब ये गारंटेड नहीं कह सकता कि 3 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखिए ये कंपनी कोई ऐसी माइक्रो कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप तो है नहीं कि छोटी सी न्यूज़ पे डबल हो जाए। ये है हाथी कंपनी, धीरे धीरे चलती है मदमस्त होके और अच्छा रिटर्न आपको देती रही। कोई तूफान आया तो 1-2 कदम पीछे हट जाती है, फिर जब तूफान क्लियर हो जाता है फिर आगे बढ़ती है। तो लंबे समय के लिए अगर हम निवेश करते हैं तो सही है, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो कभी कभी रिस्क भी होता है। जैसे कि मान लीजिए आज ये 10% से ज़्यादा भाग चुका है, हो सकता है कल भी भागे। अब लोग जब ये भाग चुका है ऑलरेडी, अब अगर इसमें लोग रिटेल निवेशक जाग के अब इसमें बाइंग कर रहे हैं कि अरे डबल ना हो जाए, डबल ना हो जाए, रिलायंस तो बहुत बड़ी वो लाने वाली है, तो हो सकता है कि लोग प्रॉफिट बुक करें तो बिकवाली आ जाए, इस वजह से उनको नुकसान भी हो सकता है। थैंक यू। तो ये भी ध्यान में रखना है हमें कि हम ऊपर के लेवल पर बाइंग कर रहे हैं और लोग इसमें प्रॉफिट बुक कर लें तो थोड़ा सा नीचे भी आ जाए तो हमारा पैसा फंस जाए, तो रिटेल फिर फंस जाएगा। इसलिए समझदारी का परिचय देखते हुए कि हमें दिग्गज कंपनियों में इन्वेस्ट करना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अगर हमको इन्वेस्ट करना है तो हम लंबा समय लेके चलें,
ऐसा नहीं कि मुझे एक महीने बाद हो सकता है प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले, तो ऊपर के लेवल पे ये भाग चुका है और भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी कुछ कंपनियां टूटी हुई, जैसे बैंक सेक्टर में अगर हम जाते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक 20% तक एक महीने के अंदर उसमें गिरावट आ चुकी है, और भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी नीचे चल रहा है, उस पर जो खबरें आती रहती हैं RBI की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से भी। प्लस ITC भी काफ़ी नीचे टूट चुका है, 1 मंथ के अंदर 10-11% वो भी टूट चुका है और 250 करीब पहुंच चुका है। तो उन कंपनियों को भी हमें ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि पूरी इंडस्ट्री या पूरे शेयर मार्केट के लोग या निवेशक एक ही स्टॉक के पीछे पड़ जाते हैं। तो हर चीज़ का ध्यान रखते हुए जो टूटी कंपनी हमको मिले कि भाई हमें अगर शॉर्ट टर्म में भी पैसा बनाना है। अच्छा, फंडामेंटल भारतीय स्टेट बैंक के भी अभी अच्छे हो गए हैं, NPA उनका ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। पहले वो पिछले साल वो प्रॉफिट में नहीं थी, लॉस में थी, इसमें प्रॉफिट में है ज़बरदस्त। मैंने रिव्यू भी दिया हुआ कई दफ़ा। ITC तो नो डाउट बेहतरीन कंपनी है अपनी इंडस्ट्री में, FMCG की नंबर 1 कंपनी है, तो उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग चाहें वीडियोज़ भी देख सकते हैं, वीडियोज़ हमने बनाए हैं। अब रिलायंस के बारे में चलिए बेसिक जो और चीज़ फंडामेंटल भी देख लेते हैं, और हम फाइनेंशियल अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो मार्च ये हम क्वार्टरली देख रहे हैं, मार्च 19 से जून 19 में कंपेयर करें, नेट सेल्स में इनको 12% से ज़्यादा की अपसाइड है, बहुत बेहतरीन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पे करीब करीब 2.32% की अपसाइड है, इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा हुआ है, और जो शुद्ध लाभ है उसमें थोड़ी सी गिरावट है, 2.49%, 2.5% के आसपास, और मार्जिन में भी यहाँ पे 0.25% के आसपास के यहाँ पे इनको लॉस हो रहा है। वहीं अगर हम साल दर साल देखते हैं तो नेट सेल्स में अगेन यहाँ पे 22% की अपसाइड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ 3.25% की अपसाइड है, और शुद्ध लाभ में भी यहाँ पे देखिए इनको साल दर साल करीब 7.25% की अपसाइड है, और मार्जिन में यहाँ पे 2.25% की यहाँ पे डाउन साइड है। तो साल दर साल और नेट सेल्स और शुद्ध लाभ में इनको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है, कंपनी बेहतरीन है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और कई सेगमेंट्स में काम करती है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग भी इंक्रीज़ की हुई है, 0.02% इंक्रीज़ की हुई है, ये अच्छी बात है। लाइफ इंश्योरेंस इसमें है, FIIs इसमें 1237 हैं, म्यूचुअल फंड्स 92 हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ भी हैं, थोड़ी सी डिक्रीज़ की हुई है, इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट बुक किया होगा। तो इस तरीके से एक बेहतरीन कंपनी है। रिटर्न वाइज अगर हम बात करें तो रिटर्न वाइज जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि वो साल भर में ही वो डबल ट्रिपल हो जाए, क्योंकि इनके प्रमोटर्स, इनके जो डायरेक्टर हैं वो बड़ी सूझबूझ के साथ काम करते हैं। आज भी उसकी फेस वैल्यू 10 की है, अभी उन्होंने तोड़ा नहीं है, क्योंकि मालूम है 10 की फेस वैल्यू से अगर वो 2 की फेस वैल्यू में आ गए या 5 की फेस वैल्यू में आ गए तो टुकड़े हो जाएंगे शेयर्स के, तो बहुत ज़्यादा उसमें क्या हो जाता है, रिटेल निवेशक को ख़रीदने का मौका ही मिलता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें ट्रेडिंग भी ज़बरदस्त होती है। फेस वैल्यू 10 की है तो इस वजह से प्राइस थोड़ा सा बढ़ा हुआ है ना। और सबसे अच्छी बात है कि ये कंपनी सिर्फ डिविडेंड ही नहीं, बोनस भी देती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने 2017 में बोनस दिया था, जिसके पास 100 शेयर थे 200 हो गए, जिसके पास एक था उसका डबल हो गया। तो बोनस देता है, डिविडेंड देती है ऐसी कंपनियाँ, और धीरे धीरे ग्रोथ करती हैं, आपको हर तरीके से मालामाल बनाती हैं। तो इसमें लंबे समय के निवेशक ज़रूर इन्वेस्ट करें, और अगर बहुत ज़्यादा भाग चुका है थोड़ा सा रुकें, ठहरें, देखें, आने वाले समय में तो अच्छा परफॉर्म करेगी, ये मेरा कहना है। ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, लेकिन हमें जोश जोश में ऐसा नहीं कि पूरा पैसा भी डाल देना है, तो फंस जाता ना रिटेल निवेशक। तो आज हम स्टॉक के बारे में बात करना था, और बेहतरीन कंपनी है, आज काफ़ी भाग चुका है, और 118 रुपये आज जो है इसने गेन किया है। अभी हो रहे हैं 12:15। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने कहा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको भी अपडेट करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। हैव अ नाइस डे।